क्या नाम है आपका? मैं आनंद दुबे LLB का छात्र हूँ, कानून की पढ़ाई कर रहा हूँ। 1990 का जो राम मंदिर आंदोलन था, उस समय आप नहीं थे, नई पीढ़ी के युवा हैं जी। उस समय के बारे में कोई जानकारी है आपको? नहीं, उस समय के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इस समय के बारे में यही जानकारी है। जैसे RSS शाखा ओखा जाना होता हम लोगों का, और सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो और युवाओं की इच्छा भी है, युवाओं की नई पीढ़ियों की इच्छा है कि बहुत दिन से ये लटका हुआ है राम मंदिर निर्माण, और अब जल्द से जल्द इसको बन जाना चाहिए। 25 तारीख को अयोध्या में धर्मसभा का आयोजन हो रहा है, आप युवा भी जाएंगे वहाँ? हाँ, सारी युवा जाएंगे, हम लोग पूरी तैयारी भी कर रहे हैं, और यहाँ से हम लोग बाइक से जाएंगे, और हजारों की संख्या में जिसकी जो क्षमता है उस हिसाब से लोग वहाँ पहुँचेंगे, और बहुत ही खुशी होगी अगर राम मंदिर निर्माण हो जाए, चाहे जैसे आपस में समझौता करके या चाहे भी जैसे कोर्ट निर्णय दे। क्या नाम है भैया आपका? अभिषेक मिश्रा। भैया, जब 1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन हुआ था, उस समय आपकी क्या उम्र रही होगी और उस समय की क्या यादें हैं, या फिर अभी जो आपकी ये नई पीढ़ी है वो राम मंदिर आंदोलन या जो 25 तारीख को धर्मसभा है उसके बारे में क्या राय है आपकी? सर, 90 और 92 दोनों आंदोलनों में मैं अपने पिताजी के साथ उस आंदोलन का हिस्सा रहा था। अब बहुत तो याद नहीं है, बस इतना मालूम है कि गोलीकांड के समय और जब ये ढांचा गिरा था उतना हमको थोड़ा बहुत याद है, लेकिन अब काफ़ी समय बीत चुका है। अब हम लोग जो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये मुद्दा सुलझे, और इसके लिए हम लोग 25 नवंबर को जा रहे हैं अयोध्या धर्मसभा में। देखिए, इस समय जो हम लोग संपर्क पर जा रहे हैं और जैसा माहौल देख रहे हैं, तो नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से ज़्यादा विचारवान है, और वो ज़्यादा चाहती है कि मंदिर का निर्माण हो, वो उसको गौरव का विषय मानती है। पर कुछ समस्याएं ये हैं कि वो कैरियर ओरिएंटेड हैं, वो अपने कैरियर के प्रति सजग हैं, उनके पास समय का अभाव है, फिर भी चाहत की कोई कमी नहीं है, पूरी तरीके से वो हम लोगों के साथ में हैं। और 25 तारीख को जब आप वहाँ पर देखेंगे अयोध्या में, तो मोर देन 60% संख्या युवा ही रहने वाली है।